हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर एस अकाउंटिंग क्लासेस टूडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली माइक्रो इकनॉमिक्स बिकॉम फर्स्ट सेम चैप्टर नंबर फोरटीन पार्ट सेकेंड एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आर एस अकाउंटिंग क्लासेज आप इसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके अलावा स्टडी मटीरियल सिलेबस पी डी एफ सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे सो प्लीज़ शॉर्ट रन इक्लिब्रियम तो शॉर्ट पीरियड वो वाला टाइम पीरियड होता है जहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एक तो जो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे फिक्स एंड दूसरे फैक्टर्स हो जाएंगे वेरिएबल्स फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कांस्टेंट रहेंगे जिनकी हम जिनको हम चेंज नहीं करेंगे ना तो उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में जैसे कि लैंड प्लांट एंड मशीनरी वेरिएबल्स फैक्टर वो फैक्टर्स होंगे जिनको हम चेंज कर सकते हैं जैसे कि रॉ मटीरियल्स एंड लेबर की जो सप्लाई है अब एक जो मोनोपोलिस्ट है अगर मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा सप्लाई को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्शन है आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट को अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई को बढ़ा के या फिर जो लेबर है उसके उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करके वो प्रोडक्शन करेगा ये नहीं है कि हम यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर है देखो उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो नहीं कर रहे लेकिन हम क्या कर सकते हैं फिक्स्ड फैक्टर के जो यूटिलाइजेशन को इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो फिक्स्ड फैक्टर होंगे उनका क्या करना होगा फुल यूटिलाइजेशन करना होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा कि फिक्स्ड फैक्टर के यूज़ को इंक्रीज़ कर देंगे जिससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा सेकंड क्या है अगर डिमांड क्या हो जाए कम हो जाए डिमांड कम तो सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी तो आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा कम प्रोडक्शन कम करेंगे कैसे वेरिएबल फैक्टर्स को डिक्रीज करके जैसे कच्चा माल है रो मटेरियल्स है उसको कम कर देंगे लेबर की सप्लाई को कम कर देंगे और साथ में यहाँ पे क्या होगा फिक्स्ड फैक्टर का जो यूज़ है उसका यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा ये तो हमने बात करी शॉर्ट पीरियड की अब हम बात करते हैं कि इक्ली कैसे होगा और इक्ली के लिए दो मेन कंडीशन होती है पहली कंडीशन क्या कि एम एंड एम मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो एम कर्व है वो कट करेगा किसको? को एम आर कर्व को और कहाँ से कट करेगा फ्रॉम बिलो नीचे से आके कट करेगा एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि जो एक मोनोपोलिस्ट है वो शॉर्ट पीरियड में क्या हो जाएगा इक्लिब्रियम में हो जाएगा शॉर्ट रन में जो मोनोपोलिस्ट होता है इक्लिब्रियम में वो तीन सिचुएशन को फेस करेगा तो पहले सिचुएशन क्या है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर सकता है शॉर्ट रन इक्लिब्रियम में सेकेंड क्या है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है एंड थर्ड हो जाएगा मिनिमम लॉस सेम यही सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन में भी होती है शॉर्ट पीरियड इक्लिब्रियम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक मोनोपोलिस्ट को मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे जब एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट से ए आर ग्रेटर देन ए सी और जो मोनोपोलिस्ट है वो तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक एम सी इज इक्वल टू एम आर है और इक्लिप की कंडीशन सेम रहेंगी जहाँ पे एम सी और एम आर इक्वल हो और एम सी कट करे एम आर फ्रॉम बिलो और जो डिफरेंस है किसके बीच का ए आर एंड ए सी का वो किसके इक्वल होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के एक्स एक्सेस पे हम आउटपुट लेंगे वाई एक्सेस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट लेंगे ए आर हमारा हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू कर्व ये हमने किया भी था कि जो मोनोपोली मार्केट में एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा और जो एम आर कर्व है वो ए आर कर्व के नीचे आएगा इसका स्लोप भी डाउनवर्ड होगा फिर हम बनाएंगे एम सी कर्व एम सी कर्व की शेप हो जाएगी यू शेप एम सी और एम आर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे तो ये क्या हो गया हमारा इक्लिब्रियम पॉइंट और जब ई e पॉइंट से हमने इसको टच किया किसके साथ आउटपुट कर्व के साथ तो ये ओ एम क्या हो जाएगा इक्लिब्रियम आउटपुट अब सेम ऐसे क्या करेंगे हम ई e पॉइंट को टच करेंगे किसके साथ एवरेज रिवेन्यू कर्व के साथ जो ये हमारा ओ डी है ये क्या हो जाएगा इक्ब्रियम प्राइस हो जाएगा हमने कौन सी सिचुएशन दिखानी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तो ए आर ज़्यादा होना चाहिए ए सी से तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा वो ए आर के नीचे बनेगा एंड ए सी और एम सी का क्या रिलेशन होता है कि जो एम सी कर्व है वो ए सी को कट करता है इंटरसेक्ट करता है उसके मिनिमम पॉइंट पे। जो ए सी की शेप होती है नॉर्म मोनोपोली मार्केट में वो यू शेप होगी तो ये हमने बना दिया ए सी ठीक है जो एम सी है उसको यहाँ पे कट कर रहा देखो ए सी के मिनिमम पॉइंट पे। अब सेम क्या करेंगे ई e पॉइंट से ए सी कर्व को क्या करेंगे टच करेंगे ई e पॉइंट से ए सी को टच करा तो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया तो जो हमारा एवरेज रिवेन्यू था वो तो क्या आया एवरेज रिवेन्यू हो गया हमारा ओ डी ए एम ओ डी ए एम और एवरेज कॉस्ट क्या हो गया ओ सी बी एम तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा सी डी ए बी सी डी ए बी ये क्या हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो कि शेडिड रीज़न है इस एरिया में क्या है एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट सेकेंड इज नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे जब ए आर इक्वल टू हो जाएगा ए सी के इक्लिबियम कंडीशन सेम रहेगी एम आर इक्वल टू होना चाहिए एम सी के और एम सी कर कट करेगा एम आर कर को नीचे से तो डायग्राम सेम बनाएंगे ऐसे ही एक्स एक्सेस पे आउटपुट हो जाएगा वाई एक्सेस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट होगा ए आर क्या हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू कर और इसका स्लोप डाउनवर्ड एम आर हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू कर फिर हम बनाएंगे एम सी मार्जिनल कॉस्ट कर तो एम सी और एम आर ई e पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और नीचे से आके कट कर रहा है इसको तो ई e क्या हो गया इक्लिब्रियम पॉइंट फिर हम इसको टच करेंगे आउटपुट के साथ तो ओ एम क्या हो जाएगा इक्लिब्रियम आउटपुट सेम ऐसे ही ई e से हम किसको टच करेंगे ए आर कर्व को तो जो ये ओ पी है ये क्या हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू यानी कि इक्लिबियम प्राइस हो गया ओ एम इक्बियम आउटपुट ओ पी एक्लिब्रियम प्राइस हमने सिचुएशन दिखानी है नॉर्मल प्रॉफिट और यहाँ पे जो ए आर और ए सी दोनों इक्वल होने चाहिए तो जो ए सी कर बनेगा वो ए आर को इंटरसेक्ट करेगा ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ए आर की वैल्यू भी यही है एंड ए सी की वैल्यू भी यही है दोनों इक्वल होंगे तो जो मोनोपोलिस्ट है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगा थर्ड कंडीशन इज मिनिमम लॉस लॉस कब होंगे जब ए आर लेस देन हो जाए ए सी से कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रिवेन्यू कम है और एक मोनोपोलिस्ट को जो लॉस है मिनिमम लॉस है वो क्यों होगा कि जब डिमांड कम हो जाए या डिप्रेशन का टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम पे लॉस हो जाएंगे और ये मिनिमम लो, लॉस क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो रिकवर कर लेगा तो लॉस किसका हो रहा है उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस है वो उसको बियर करना है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस होता है कि चाहे आप प्रोडक्शन करो तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी आएगी प्रोडक्शन ना करो तब भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी आएगी अगर डिप्रेशन का टाइम है जब प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं अगर जो फर्म प्रोडक्शन करती है जो मोनोपोली फर्म है अगर वो प्रोडक्शन कर रही है उसको अगर वेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है यानी कि इतना प्राइस उसको मिल रहा है वो किसके इक्वल है ए वी सी के तब तक तो जब फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी जैसे ही बराबर हो जाएंगे वहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगा देगी यानी कि प्रोडक्शन बंद कर देगी क्योंकि उसके बाद क्या होगा अगर प्रोडक्शन करा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे और एवीसी ज्यादा हो जाएगी इससे क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट का तो लॉस होगा ही साथ में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका लॉस भी हो जाएगा तो हमने क्या देखना है यहाँ पे सिर्फ मिनिमम लॉस देखना है एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है वाई एक्सिस पे हमने रिवेन्यू एंड कॉस्ट सेम ऐसे ही बनाना है ए आर हो जाएगा हमारा एवरेज रिवेन्यू कर एम आर हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू कर फिर आप बनाएंगे एम सी मार्जिनल कोस्ट कर जो कि ई पॉइंट पे कट कर रहा है एम आर को तो ई e हो गया हमारा इक्लिब्रियम पॉइंट फिर ई e को हम टच करेंगे आउटपुट कर्व के साथ तो ओ एम क्या हो जाएगा इक्लिब्रियम आउटपुट सेम ऐसे ही ई e से हम क्या करेंगे ए आर को टच करेंगे तो जो ओ पी वन है ये क्या हो गया हमारा इक्बरियम प्राइस और अब हमें क्या दिखाना है कि जो ए आर है वो लेस देन है एंड ए सी वो हमारा ज्यादा है बट मिनिमम लॉस दिखाना है तो साथ में जो ए आर होगा वो किसके इक्वल होगा ए वी सी के यानी कि फॉर्म इतने प्राइसेस तो मतलब चार्ज कर रही है कि जिससे उसकी वेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको रिकवर हो जाए तो इसलिए हमने क्या करा जैसे लास्ट डायग्राम में हमने ए सी को टच करा था ना यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू के साथ अब ये सोचो कि ये ए सी नहीं है ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है और इसी के ही पैरेलल हम क्या करेंगे थोड़ी सी ऊपर ए सी बनाएंगे क्योंकि जो ए सी है वो ए आर के ऊपर बनेगा तभी तो जो ए सी में से माइनस करेंगे ए आर को वो किसके इक्वल आएगा मिनिमम लॉस के क्योंकि जो ए सी में से अगर हम माइनस कर देते हैं ए वी सी के वो किसके इक्वल आता है ए एफ़ सी के और यही क्या हो रहा है फॉर्म को लॉस हो रहा है और जो ये मिनिमम लॉस है क्योंकि ए वी सी और ए आर यहाँ पे दोनों बराबर हैं अगर मैं यहाँ पे ए आर की जगह पे ए वी सी रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं तो ये किसके इक्वल होता है ए एफ सी के और फिर ये जो शेडेड रीज़न होगा ये क्या आ जाएगा मिनिमम लॉस क्योंकि इस पोर्शन में क्या हो रहा है एसी ज्यादा है और एवरेज रिवेन्यू कम है शॉर्ट रन में हमने तीन सिचुएशन करी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे जब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे जब एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू होगा एवरेज कॉस्ट के और मिनिमम लॉस कब होंगे जब एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के एंड एवरेज रिवेन्यू लेस देन होगा एवरेज कॉस्ट के प्राइस अंडर लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन इक्म शॉर्ट पीरियड में तो क्या था दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे फिक्स्ड फैक्टर भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या होगा सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होंगे मतलब जो मोनोपोलिस्ट है वो लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स में चेंज करके आउटपुट को इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है तो लॉन्ग रन में जो फर्म है वो इक्लिबियम में कब होगी जब लॉन्ग रन की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के कंडीशन वही सेम है और यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं तो सभी फैक्टर्स में चेंज करके वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एंड सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकता है और जैसे ही डिमांड कम होगी तो वो सप्लाई को कम भी कर सकता है तो परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या था कि जो फर्म थी लॉन्ग रन में उनको होते थे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट इट मीन्स कि वहां पे एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट ये वाली सिचुएशन थी और हमने देखा भी जो शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में क्या किया नॉर्मल प्रॉफिट भी हुए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी एंड मिनिमम लॉस भी कि जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट के और एवरेज रिवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के एंड एवरेज रिवेन्यू लेस देन है एवरेज कॉस्ट के लेकिन लॉन्ग रन में जो एक मोनोपोलिस्ट होगा वो सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही अर्न करेगा कि जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ठीक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन इक्लिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे एल एम सी इज इक्वल टू एम आर ये तो इक्लिब्रियम के लिए हो गया और जो मोनोपोलिस्ट है वो ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट के हाथ में है कि वो प्राइसेस को अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है ताकि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो जाए डायग्राम देखते हैं एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया वाई एक्सिस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट सेम हमारा ए हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू कर एम हो जाएगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कर फिर ये जो डॉटेड लाइन है ये वाला हमारा एम था अब यहाँ पे लॉन्ग रन में कर रहे हैं तो इसका नेम क्या होगा एल एम सी लोंग रन मार्जिनल कॉस्ट कंडीशन सेम है ये इसको नीचे से ही कट करेगा और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा एम आर कर को ई e पॉइंट पे ये क्या हो गया इक्लिब्रियम पॉइंट और जब हम इसको मिलाएंगे आउटपुट के साथ तो ओ एम हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट सेम करना है ई पॉइंट से आपको इसको कट करना है टच करवाना है एवरेज रिवेन्यू कर से तो जो ओ एन है ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो जो ए आर है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से और एल ए सी की शेप क्या होगी यू शेप हो जाएगी ठीक है एल ए होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो जितना डिफरेंस होगा फिर क्या करेंगे ई e पॉइंट से इक्लिब्रियम पॉइंट से ए सी कर को टच करेंगे बी पॉइंट पे तो जो इक्लिब्रियम प्राइस था एवरेज रिवेन्यू है उसका एरिया कितना हो जाएगा ओ एन ए एम माइनस करेंगे जो कॉस्ट वाला एरिया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ओ पी बी एम तो हमारे पास कितना एरिया बचेगा पी एन ए बी और ये जो शेडेड रीजन है ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल मोनोपोली इक्लिब्रियम एंड लो ऑफ कॉस्ट मोनोपोली इक्लिबियम है उनका आपस में क्या रिलेशन है जो एक मोनोपोलिस्ट है वो गुड्स के प्राइसिस हाई भी रख सकता है एंड लो प्राइसिस भी फिक्स कर सकता है अब उसको किस कॉमोडिटी के प्राइसिस हाई रखने हैं एंड किस कॉमोडिटी के प्राइसेस लो रखने हैं ये जो डिपेंड करते हैं किस पे डिपेंड करेगा फर्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ईडी की वैल्यू क्या है तो ईडी हमारी दो तरह से होगी या तो ईडी हो सकती है इन इलास्टिक या फिर हो सकती है इलास्टिक ईडी की वैल्यू जब इन इलास्टिक होगी मतलब लेस देन वन और इलास्टिक होगी इट मीनस ग्रेटर देन वन तो जब लेस देन वन होती है इसका मतलब प्राइसेस प्राइसेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो जो डिमांड पे इफेक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा लेस देन वन होगा तो इस केस में जो मोनोपोलिस्ट होगा वो प्राइसेस कैसे रखेगा हाई प्राइसेस क्योंकि डिमांड पे तो फर्क नहीं पड़ता अगर उसने ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर लिए तो डिमांड तो उसकी सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट तो वो ज्यादा प्राइसेस पे गुड्स को सेल करके जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है उसको अर्न कर सकता है जब प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है इलास्टिसिटी कैसी है इलास्टिक ग्रेटर देन वन इट मीन्स कि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पे प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इसीलिए जो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइसेस कैसे रखेगा लो प्राइसेस ताकि लो प्राइसेस करके प्राइसेस कम करे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सेल इंक्रीज़ होगी और सेल इंक्रीज़ होगी तो जो उसके प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज इंक्रीज हो जाएंगे सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ लॉज ऑफ कॉस्ट ऑन मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन तो एक मोनोपोलिस जब भी प्राइस को डिटरमाइन करेगा किसी भी कमोडिटी के तो उसको ध्यान में रखना है लॉज ऑफ कॉस्ट को और जो लो ऑफ कॉस्ट है वो हमारे तीन होते हैं सबसे पहला क्या है लो ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट ये लो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन की कम होती जाएगी सेकेंड लो क्या है कॉन्स्टेंट कॉस्ट ये क्या कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे तो जो कॉस्ट है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी मार्जिनल कॉस्ट और थर्ड लो क्या कहता है इंक्रीजिंग कॉस्ट लो ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इट मीन्स कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी डिमिनिशिंग कॉस्ट अगर जो आउटपुट है वो ओबे करता है लोफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इट मीन्स कि जैसे ही प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा तो जो कॉस्ट पर यूनिट है यानी कि एम सी वो डिमिनिश हो जाएगी सेम ए सी है एवरेज कॉस्ट है वो भी यहाँ पे डिमिनिश होगी तो इस सिचुएशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो गुड्स के प्राइसेस कैसे रखेगा लो प्राइसेस फिक्स करेगा कि प्राइसेस कम करके जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी सेल इंक्रीज होगी तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेना है वाई एक्सिस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट लेना है ए आर हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू कर एम आर हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू कर जो ए के नीचे बनेगा अब यहाँ पे एसी का स्लोप भी कैसा है डाउनवर्ड क्योंकि ए सी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है सेम ऐसे ही एमसी भी क्या हो रही है डिक्रीज तो ये भी क्या हो जाएगा स्लोप इसका डाउनवर्ड तो ये हो गया हमारा ए सी कर और ये हो जाएगा हमारा एम सी कर तो जहां पे एम आर और एम सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई e पे ये इक्लिब्रियम प्राइस हो गया MC इज इक्वल टू एम आर है और पॉइंट e से जब हम टच करेंगे किसको OQ ओ क्यू पे तो ओ क्यू क्या हो जाएगा इक्लिब्रियम e आउटपुट अब ई e पॉइंट से हम AR कर को टच करेंगे ए पॉइंट पे तो जो OD है ये हो जाएगा इक्लिब्रियम e प्राइस और यहाँ पे क्या करना है जो ये बी सी ये हमारा जैसे एवरेज कॉस्ट का एरिया था ओ सी बी क्यू और जो ये ओ डी ए क्यू ये क्या है एवरेज रिवेन्यू का एरिया और यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है तो जब हम ए क्यू में से माइनस कर देंगे किसको को बी क्यू को तो जो ये ए बी है ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि जो शेडेड रीजन है ए बी सी डी ये क्या टोटल प्रॉफिट हो जाएगा मोनोपोलिस्ट का सेकंड इज इंक्रीजिंग कॉस्ट अगर जो प्रोडक्शन है वो किस लो को ओबे करता है लो ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट को इट मींस कि जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी इट मीन्स एम सी भी इंक्रीज होगी एंड ए सी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी तो इस केस में अगर मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट मैक्सिमम करने हैं तो वो कैसे कर सकता है जो प्राइसेस होंगे वो हाई प्राइसेस फिक्स करेगा ताकि वो हाई प्राइसेस फिक्स करके जो प्रॉफिट है उसको मैक्स मैक्सिमम कर सके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके

ए सी सॉरी एम आर और एम सी दोनों ई e पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों यहाँ पे इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा इसको हम मीट करेंगे क्यू से तो ओ क्यू हो गया आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट और फिर जो ई e पॉइंट से हम टच करेंगे किसको एवरेज रेवेन्यू को तो ये प्राइसेस हो जाएंगे हमारे इक्विलिब्रियम प्राइसेस ओ डी और फिर ई e पॉइंट से हम किस टच करेंगे एवरेज कॉस्ट को तो जो यहाँ पे ओ सी होगी एवरेज कॉस्ट तो जब हम ए क्यू में से माइनस करेंगे बी बी क्यू को तो जो डिफरेंस आया ए बी शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट तो जो ए बी सी डी शेडेड रीजन है ये मोनोपोलिस्ट का टोटल प्रॉफिट होगा थर्ड इज कांस्टेंट कॉस्ट तो ये वो सिचुएशन होगी जहां पे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी इट मीन्स कि अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तब भी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी और कॉस्ट कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि जो ए सी एंड एम सी है वो दोनों बराबर होंगी और ये पैरेलल होंगी किसके एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है वाई एक्सिस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट है ए आर एवरेज रिवेन्यू कर्व है एम आर मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है और यहाँ पे जो ए सी और एम सी दोनों बराबर है और किसके पार्लल है एक्स एक्सिस के और एम सी कर कट करता है इंटरसेक्ट कर रहा है एम आर को बी पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा इक्लिबियम पॉइंट और जो ओ क्यू है इक्लिब्रियम आउटपुट और जब इक्लिब्रियम पॉइंट से हम किसको टच करेंगे एवरेज रिवेन्यू को तो जो ये ओडी है इक्लिब्रियम प्राइस हो जाएगा और यहीं पे ए सी भी है क्योंकि एम सी और एम ए सी दोनों इक्वल है तो यहीं पे यानी कि जो अगर हम एवरेज रिवेन्यू में से माइनस करें एवरेज कॉस्ट इट मींस ए क्यू में से माइनस कर देंगे हम बी क्यू को तो जो ये शेडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा मोनोपोलिस्ट का, monopolist का. मोनोपोली प्राइस विद ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ये सिचुएशन होती है बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है रेयर सिचुएशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट को प्रोडक्शन की कॉस्ट इनकर्ड नहीं करनी पड़ती इट मीन्स अगर वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उसकी ज़ीरो सपोज करो कि जो एक मोनोपोलिस्ट का खुद का क्या है माइन है अब जब उसने माइनिंग का ऑपरेशन किया तो जो फाउंटेन ऑफ वॉटर है वो स्प्रिंग आउट हुआ जो उसके लिए जो मिनरल वॉटर की जो क्या हो जाएगी कॉस्ट जीरो मिनरल वाटर की जो कॉस्ट है मोनोपोलिस्ट के लिए क्या होगी जीरो और अब मोनोपोलिस्ट को डिसाइड करना है कि वो प्राइसिस क्या फिक्स करे जिससे उसको जो प्रोफिट है वो क्या हो जाए मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कितना प्राइस उसको फिक्स करना चाहिए एक्स एक्सेस पे आउटपुट लिया है वाई एक्सेस पे रिवेन्यू एंड कॉस्ट है ए क्या हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू कर और जो एम क्या हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू कर अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है जीरो एम सी जीरो ए जीरो दोनों तो जो ये एम आर और एम से जहाँ पे बराबर होते हैं वहां पे इक्लिब्रियम पॉइंट होगा जब कोस्ट जीरो है इट मीन वो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे टच कर रहे हैं क्यू पॉइंट पे तो क्यू क्या हो गया ओ क्यू इक्लिब्रियम आउटपुट हो गया जब इक्लिब्रियम पॉइंट से हम किसको टच करेंगे ए आर कर्व को तो जो ये ओ एन है किसके पैरेलल है ओ क्यू ओ पी के तो ओ पी ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि वो इतने प्राइस पे उसको सेल करे अब यहाँ पे ए सी भी क्या है जीरो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट तो जो एरिया है ओ पी एंड क्यू ये सारा एरिया ही क्या है मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिट ओ पी एन क्यू आज के लेक्चर में बस इतना ही आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.